हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन 8 आवर फेस्टिवल्स। सो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओके, so what is harvest festivals? Harvest is an important activity in our country. It is the time when crop that has been sown earlier is ready for reaping. Harvest एक important, एक बहुत ही ज़रूरी activity है, बहुत ही ज़रूरी कार्य है हमारी country में, हमारे देश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और ये एक ऐसा टाइम में आता है जब क्रॉप जो है, क्रॉप रीपिंग के लिए मींस कटाई के लिए तैयार होती है, जब फसल कटाई के लिए रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, उस टाइम को बोलते हैं, उस टाइम में ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। द फेस्टिवल्स दैट मार्क द चेंज ऑफ सीजन्स मीन्स सीजन जब चेंज होते हैं उस टाइम में, चेंज ऑफ सीजन्स आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। दीज फेस्टिवल्स आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स एंड सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज अक्रॉस द कंट्री। ये फेस्टिवल्स जो है वो डिफरेंट अलग अलग नेम से जाना गया है, इन फेस्टिवल्स को अलग अलग नेम से जाना गया है और इसे मनाने का अलग अलग तरीका है, इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। सो देर आर वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। फर्स्ट वन इज़ पोंगल। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का एक त्यौहार है जहाँ तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल। ऑन दिस डे काउज आर फेड विथ पोंगल राइस। इस दिन गाय को पोंगल राइस खिलाया जाता है। पोंगल राइस कैसे बनता है? राइस जो है वो मिल्क में बॉइल्ड होता है एंड देन उसमें जैगरी डलता है, मींस गुड़ डलता है। दैट मींस एक टाइप का जैगरी खीर हुआ, गुड़ वाली खीर हुई। ओके, द सन गॉड इज़ वर्शिप्ड मीन्स सूर्य देवता की पूजा होती है इस दिन। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 डेज, 3 दिन तक इसे मनाया जाता है एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। सेकेंड वन इज़ ओनम। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ये केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ अ कलरफुल फेस्टिवल। ये एक कलरफुल फेस्टिवल है, रंग बिरंगा त्यौहार माना गया है। बोट रेसेस आर हेल्ड ऑन दिस डे। इस दिन बोट रेसेस होते हैं। एलिफेंट्स आर फुल्ली डेकोरेटेड। एलिफेंट्स को, हाथियों को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है एंड देयर प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन द स्ट्रीट्स। प्रोसेशंस मीन्स जुलूस निकलता है ना, तो उसे बोलते प्रोसेशन। तो हाथियों को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है एंड सड़कों पर उसकी जुलूस निकलती है। थर्ड वन इज बीहू। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। ये असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये असम में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को बोलते हैं बीहू। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। बुफेलो फाइटिंग इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में बुफेलो फाइटिंग होती है, मींस बुफेलो फाइट कराया जाता है। देखो, सी दिस, बुफेलो फाइटिंग हो रही है ना, लड़ाई हो रही है, फाइट किया करवाया जा रहा है बुफेलो का। तो ये सबसे
इम्पॉर्टेंट इस फेस्टिवल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये आकर्षित करता है, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस फेस्टिवल। इस त्यौहार का सबसे जरूरी मेन अट्रैक्शंस है जो आकर्षित करता है इस त्यौहार को ये देखने के लिए। नाउ बैसाखी, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये पंजाब एंड हरियाणा का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th of April एवरी ईयर, ये हर साल 13th April को मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय, इसे बहुत मज़े से अच्छे से मनाया जाता है, बहुत खुशी से मनाया जाता है। People wear traditional clothes and perform their traditional dance, bhangda and gidda. लोग traditional clothes पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं जो वहाँ के होते हैं, कपड़े जो हरियाणा पंजाब में पहने जाते हैं, and dance करते हैं, भांगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं। Festivals like तीज और छठ जैसे त्यौहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं विथ ग्रेट जॉय। वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ मैनी ग्रेट मैन एज फेस्टिवल्स। हम और भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, हम ग्रेट मैन महान आदमी महान फेमस मैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज अ फेस्टिवल के तौर पर, त्यौहार के जैसे हम और ग्रेट मैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि ग्रेट मैन कौन कौन हो गए, ग्रेट मैन एंड वुमेन मींस महान फेमस जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा किया जिनका नाम है ग्रेट मैन। 14th November द बर्थडे ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14th November को क्या आता है, चिल्ड्रंस डे। सो चिल्ड्रंस डे इज़ इन 14th November, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे इन 14th November। चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं एज अ फेस्टिवल, त्यौहार के जैसे हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, जो कि 14th November को मनाया जाता है। इस दिन प्राइम मिनिस्टर हमारे फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो उनके जन्मदिन पे हम ये मनाते हैं 14th November एज द चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन रिमेंबर हिम एज चाचा नेहरू, वे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए चिल्ड्रन जो हैं चिल्ड्रन उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, चाचा नेहरू के नाम से याद करते हैं, उन्हें चाचा नेहरू के नाम से याद करते हैं बच्चे। 5th September द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधा कृष्णन द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट इज सेलिब्रेटेड एज द टीचर्स डे। 5th September को टीचर्स डे मनाया जाता है, क्यों 5th September को डॉक्टर सर्वेपल्ली राधा कृष्णन जी का बर्थडे था, जो कि एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे। ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे मींस ये प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, मतलब बहुत सारे जगह ये प्रोफेसर बने, टीचर बने, और इन्होंने अपनी टीचर में बहुत अच्छा कामयाब रहे ये, तो ये बहुत ही अच्छे टीचर थे, बहुत ही अच्छे ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट मीन्स शिक्षा, जो शिक्षा से रिलेटेड आगे रहते हैं एकदम। तो डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे, इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, हमारे इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एंड ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं, जो हम जिसे 5th September को टीचर्स डे के तौर पर मनाते हैं। इनके बर्थडे, इनका इस दिन जन्मदिन रहता है। पेज नंबर 61, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर स्टेट। नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल का नेम लिखना है, नेम ऑफ ग्रेट मैन और वुमेन,
डेट ऑन विच इट इज़ सेलिब्रेटेड, किस दिन मनाया जाता है। सो चिल्ड्रेंस डे भी एक तरह का फेस्टिवल है जो हम फेस्टिवल के जैसे मनाते हैं। चिल्ड्रेंस डे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेम पे हम मनाते हैं और इसे 14 नवंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे सर्वेपल्ली राधा कृष्णन जी का बर्थडे के तौर पे हम मनाते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर को, जो कि एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं एंड 5 सितंबर को मनाते हैं। क्रिसमस हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर। गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्मदिन रहता है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे रहता है, गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं, जो कि 2 अक्टूबर में है। गांधी जयंती महात्मा गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है और हम गांधी जयंती के नेम से मनाते हैं इस फेस्टिवल को। फेस्टिवल्स टीच अस टू सेलिब्रेट, एन्जॉय एंड लिव टुगेदर। फेस्टिवल्स त्यौहार हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? एक साथ रहना, लिव टुगेदर, एन्जॉय करना, मौज मस्ती करना और एक साथ सेलिब्रेट करना। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, बट सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स। नेशनल फेस्टिवल्स हमारे पूरे कंट्री में मनाया जाता है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है नेशनल फेस्टिवल्स, बट कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट अलग अलग स्टेट में मनाया जाता है। राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर स्टेट। कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के नेम लिखने जो आपके स्टेट में मनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो चिल्ड्रेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, डेट लिखोगे, क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट होता है, डेट लिखोगे। ओके, तो ये सब आप लिख सकते हो इसमें। दिस इज़ योर होमवर्क। ट्राइबल पीपल लिविंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव देयर ओन फेस्टिवल्स एंड वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग देम। ट्राइबल पीपल आदिवासी लोग को कहते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं, मीन्स वो भी इंसान ही हैं लेकिन हमसे अलग हैं थोड़े। उनका रहन सहन का तरीका अलग होता है। वो आदिवासी लोग फॉरेस्ट में, जंगल में, ज़्यादातर जंगल में, माउंटेन्स में, मीन्स हम सिटी से बहुत दूर रहते हैं, सिटी और टाउन से बहुत ही दूर रहते हैं, छोटे छोटे विलेजेस में जो कि सिटी और टाउन से बहुत बहुत दूर है, तो वहाँ उस जैसे जगह में रहते हैं और इनका रहन सहन का तरीका अलग होता है। इनके खुद के अपने फेस्टिवल्स, अपने त्यौहार होते हैं जो ये अपने तरीके से मनाते हैं। ओके, सो रीड दिस केयरफुली, राइट इट इन योर कॉपी, दिस 4 सेंटेंस क्विक रिकैप एंड न्यू टर्म्स। ओके, रीड इट बाय योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एवरीबॉडी।